जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर हसन और आप देख रहे हैं एहसास पॉइंट 2.0। आज के इस एहसास पॉइंट के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कि सर्वे के रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के करनी चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसको कहते हैं डायनामिक सर्वे। मेरे वो घुमा फिरा के बताने वाली बात नहीं है कि ये होगा वो होगा, नहीं, मैं सीधी बात बताता हूँ ताकि आपका जो टाइम बहुत कीमती है थोड़ी सी वीडियो देखें और आपका काम हो जाए। सबसे पहले डायनामिक सर्वे होता क्या है, हर बंदा यही पूछ रहा है कि डायनामिक सर्वे क्या है। हम डायरेक्ट मैसेजेस भी किए हैं, कॉल्स भी किए हैं, लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि ये मुझे बताएं कि डायनामिक सर्वे क्या होता है। डायनामिक सर्वे ये सर्वे होता है कि अपना आईडी कार्ड लेते हैं और आईडी कार्ड लेने के बाद जो औरत वो आपकी जो वाइफ है या उनके घरेलू हैं या वो उनकी मदर हैं उनको साथ लेते हैं और BISP ऑफिस ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो जो ऑफिस में जो आईडी कार्ड होता है उसको लेट को चेक किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, चेक करने के बाद उसको सर्वे के तौर पर एक रूम में लाया जाता है और उसको बताया जाता है कि अपना आईडी कार्ड मुहैया करें। आईडी कार्ड मुहैया करने के बाद उसे पूछे जाते हैं, कुछ सवालात पूछे जाते हैं और उस आईडी कार्ड को वहां फीड कर दिया जाता है, मतलब उसको चेक कर लिया जाता है कंप्यूटर के थ्रू कि ये इसके लिए अहल भी है कि नहीं है। इसको कहते हैं डायनामिक सर्वे। जब अगर आपका सर्वे ठीक है तो काशी कतर से आपको मैसेज आ जाता है और उसके बाद ठीक 2 महीने बाद या 1.5 माह के बाद आपको 7500 रुपया या 8500 रुपया मिलना शुरू हो जाता है। ये हो गया आपका डायनामिक सर्वे। सर्वे के बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है इसी के अंदर वो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ खुशाइन बात है कि जिनका जो इसके असल मालिक है उनको ये पैसे मिलने चाहिए। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट लोग हैं, बहुत से ऐसे अमीर कबीर लोग हैं जिनको ये पैसे मिल रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले दोबारा डायनामिक सर्वे BNC इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिहाज से डायनामिक सर्वे दोबारा स्टार्ट कर दिए। उनका जो ड्यूरेशन होगा 1 को 31 दिसंबर तक होंगे, दूसरे 31 दिसंबर के बाद होंगे 28 फरवरी तक, 28 फरवरी के बाद होगा 30 अप्रैल तक और 30 अप्रैल के बाद होगा 30 जून तक। ये चार महीनों के मतलब 4 से 5 माह होंगे। डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप उनको अपना हेल करते जाएंगे। जो इसके लिए एलिजिबल होंगे वो भी ठीक है, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे उनके लिए भी ये सब कुछ किया जाएगा। मतलब जो 31 दिसंबर तक अहल होंगे उनको अहल कर दिया जाएगा, जो नहीं होंगे उनको दोबारा मैसेज नहीं आएगा। फिर उसके बाद फरवरी आ जाएगी, फरवरी में मैसेज किया जाएगा, फरवरी के बाद 28 फरवरी के बाद 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के बाद 30 जून। ये 4 ऐसे स्टेप्स होंगे जिसमें ना अहल लोग कर दिए जाएंगे और काशी कतर से आना मैसेज बंद हो जाएंगे जिन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं होंगे और उसके रिलेटेड रिपोर्ट नहीं होगी। दूसरी बात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिहाज से 30 से 20 लाख या 20 से 30 लाख खानदान जो है वो रजिस्टर्ड है, उस रजिस्ट्रेशन के लिहाज से उनको क्या करेंगे, बेनिफिटेड होंगे मतलब जो इसके लिए ओरिजिनल हकदार है उनको दिया जाएगा, जो इनके हकदार नहीं उनको ये वाली सारी चीजें कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद आ जाएगा कि जैसे ये जो मैंने 4 बताए, 31 दिसंबर हो गया, 28 फरवरी हो गया, 30 अप्रैल हो गया या 30 जून हो गया, ये इसको चेक किया जाएगा PMT स्कोर के लिहाज से। PMT स्कोर होता है आपका स्कोर होता है कि अगर 30 के अबव हो या 40 से कम हो तो ये आपको पैसे मिलते हैं। ये स्कोर के रिलेटेड आपको सारा कुछ फंक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवाए। जिन बंदों ने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया वो अपना डायनामिक सर्वे करवाएं ताकि उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो और वो बेनिफिट इस तरह हो कि वो ब्लॉक ना हो, उनके पैसे बंद ना आने ना हो ना बंद ना हो और उनको मिलते रहें, उनके घर का बर्डन कम हो और वो अपने घर वालों की मदद कर सकें। इस मैसेज को जितना भेज सकते हैं आगे भेजें। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग नहीं बताते हैं आपको, डायनामिक सर्वे में ये अगले 4 महीने में ये सब कुछ होने जा रहा है, इसलिए अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल है तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप DM जरूर कीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई जरूर करूँगा या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी किया करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।